Today we are going to do this activity from chapter of light NCRT, and we will do activity number 16.1. With this activity we will try to learn the laws of reflection. So for this, first of all we will prepare this aid. This is nothing but a simple, I have to add, the simple aid has been prepared, means a slit जिससे कि हमें लाइट की बीम मिलता है, रे मिलता है. लाइट एज यू ऑल नो, लाइट जो है उसमें जो है बहुत सारी रेज होती हैं जो ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में. तो उसके लिए हम पहले कोम लेंगे और उसमें ये एक ब्लैक शीट आप ले सकते हैं. इस ब्लैक शीट को अब इसमें कवर करके हम एक स्लिट तैयार करेंगे ताकि हमें उससे केवल सिंगल रे दिखाई पड़े और हम अच्छे से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ पाएँ. इस तरीके से मैंने पहले आपको फिर से दिखा रही हूँ. इसमें मैंने इसको ऐसे करके इसको इसके ऊपर लपेट देंगे, ऑन कर लेंगे इसके ऊपर. और फिर हम इसको टेप से कवर कर देंगे. बीच के पार्ट में ध्यान रखिएगा टेप देना, क्योंकि बीच के पार्ट में यानी इस पार्ट पे जहाँ पे हमें स्लिट तैयार करना है वहाँ टेप नहीं लगना चाहिए. पहले आपको टेप से अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि ये जो रोल किया है ये इस पर रोल बना रहे. मैंने टेप लगा के लॉक कर दिया है. अब वैसे तो खुलेगा नहीं, फिर भी एक टेप मैं जो हूँ यहाँ से लेकर स्टार्ट करके बैक तक ले जाऊँगी. फिर यहाँ तक लगाया बस. अब देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं कोम में. मेरे पास जो कोम है उसमें दो पार्ट, पतला वाला थिन जिसमें गैप कम है, एक थोड़ा थिक वाला पार्ट एज यू कैन सी दिस वन. तो मैं इस वाले पार्ट की तरफ मुझे स्लिट बनानी है. क्या करूँगी मैं, मुझे स्लिट बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक मार्क करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं सीजर ले रही हूँ. पहले मैं कहीं पर मुझे डिस्टेंस पे बीच में यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे कहीं पर भी लाइन से खींचनी है. पहले इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ. इसको रख के काटेंगे तो वो ठीक से कटेगा नहीं. अब मैंने इसको कट लगा देती हूँ मैं. ये स्लिट से तैयार हो गई. इसे वापस डाल भी सकते हैं ताकि आप आराम से इसको होल्ड करने में आसानी रहे, इसलिए मैं इसको वापस डाल देती हूँ उसके अंदर. इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है मैं इसको आराम से होल्ड कर पाऊँ. अब ये जो मैंने गैप बनाया था इसको मैं इस गैप को बड़ा भी कर सकती हूँ. कोई भी आप स्केल ले लें. मैं प्रोटेक्टर यूज़ के पास था तो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ एज ए स्केल, और थोड़ा सा इसको अच्छे से स्मूथ कर ले रही हूँ उस गैप को. तो ये हमारा जो है एड जो है जो कि स्लिट चाहिए हमें वो तैयार हो गई है. नाउ इस स्लिट के थ्रू जो है हम देखेंगे कैसे लाइट रे जो है पास करेगी. और वो आपको ये जो टॉर्च इसके लिए मैं यूज़ करूँगी, ये वाला, ये मैंने एक शीट यहाँ पे बिछा दी है. एक पहले मिरर ले लिया है एक्टिविटी करने के लिए. मेरे पास ऐसे सिंपल होम का जो घर का मिरर था वो यूज़ कर लिया, निकाल के मैंने यहाँ रख दिया है. अकबर प्लेन मिरर होगा उस पर करेंगे हम. मिरर को सपोर्ट के साथ मैंने यहाँ पर रख दिया है. और ये सिंपल टॉर्च एक ले लिया और आपको इसके थ्रू आप पास कराएंगे. ठीक है, अभी जो है पहले मैं लाइट को ऑफ कर देती हूँ, फिर अच्छे से आपको ये जो लाइट जो है दिखती हुई दिखाई पड़ेगी. अभी क्योंकि गैप अगर कम है तो थोड़ा सा गैप मैं बढ़ा भी दूंगी. इसको सेट कर दिया है. इस मैंने अपने पास मेरे पास टॉर्च ये मोबाइल की लाइट थी तो मैंने ये यूज़ करी है. इससे लाइट जो है यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है इस लिट के थ्रू, ये ताकि हमें केवल सिंगल लाइट की रे दिखाई पड़े. एज यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे. मैं यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे एक पॉइंट बना देती हूँ. ये जो लाइन रे यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगी इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. तो अब हमें तीनों पॉइंट के लिए मैं एक पहले रफली जो है यहाँ पे इसको इसके अलॉन्ग ये बना रही हूँ. रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग मैं एक लाइन खींच रही हूँ और अब मैं इन दोनों को मेज़र करूंगी और स्ट्रेट लाइन इस डी की हेल्प से मैं इसको बनाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए अब इसको हम लोग आइटम करो. अब ये जो है पॉइंट जो है लाइट रे आपको दिख रही थी, इसको पहले मैं जो मार्क करा हुआ है इसके बाद इसके हटा देती हूँ क्योंकि अभी लाइट ऑन कर दी है, ये हिल भी गया है. तो पहले जो मैंने मार्क किया हुआ है उनको पहले मैं फिर से स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर लेती. तो पहले मैं इसको ड्रा करती हूँ. और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आई थी जो, इसको ड्रॉ करती हूँ. और ये आपकी इंसिडेंट रे बीच में नॉर्मल यहाँ पे लाइन बनाती हूँ. ये तीनों रे हो गई. जिस तो पहली जो आपकी जा रही थी
वो इंसिडेंट रे थी। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको ये एडजस्टमेंट लाइट का। तो ऐसे मैंने देखिए जो ड्रॉ कर लिया था, अब हमको फिर से चेक करते हैं क्या ये उसी लाइट के अलॉन्ग है। येस यू कैन सी अगेन द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन बीच में है दिस इज द नॉर्मल। नाउ वी विल मेजर द एंगल। अब मैंने हमने सही बना लिया है दोनों तीनों रे, और हमको जो है एंगल मेजर करना है। तो फिर से मैं डी लूँगी और इस डी से आपको ये एंगल मेजर करना है। तो मैं हटा देती हूँ अब। तो ये डी रखा है मैंने यहाँ पे, और लेट अस मेजर द एंगल कि क्या ये एंगल जो है दोनों क्या बराबर हैं या कुछ कोई ज़्यादा है कोई कम है। तो ये हमारा जो है यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। इस नॉर्मल से अगर हम इसको मेज़र करें यहाँ तक, देखिए ये हमारी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे। तो अब ये जो इंसिडेंट रे है और जो ये नॉर्मल है इनके बीच में कितना एंगल है आप मेज़र कर सकते हैं। हाउ मच एंगल इज़ दिस, 90 से यहाँ पे गए 10 एंड अगेन यू विल कम दिस एट दिस पॉइंट अराउंड 20 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम इसी चीज़ को यहाँ भी देखते हैं। द रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी ये वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे, इसको मेज़र करते हैं अगेन दिस इज द नॉर्मल, अगेन 10 एंड अप्रॉक्सीमेटली 20। तो विद द सर्टेन यू कैन सी कि यहाँ पे हमने अरेंजमेंट जो लिया है थोड़ा बहुत यहाँ पे क्योंकि हिलने की वजह से ड्रॉ करते समय, पर अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल जो हैं काफ़ी हद तक सेम है, यानी 20 डिग्री है ये भी और 20 डिग्री है ये भी। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। इट इज सी फॉर वन मोर एंगल, थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया है। अगेन मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये लेती हूँ, जहाँ ये सरफेस जहाँ पे लाइट और इंसिडेंट हो रही है, एक मैं रफली लाइन खींच ली नॉर्मल बनाने के लिए। अगेन इसी जो ये मेरी लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके अलॉन्ग एक पॉइंट मैंने लाइट ले ली, और जो ये रिफ्लेक्टेड हो रही है इसके अलॉन्ग मैंने एक लाइन ले ली। अब मैं फिर से जो हूँ इसको जो है बनाऊँगी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, अगेन बनाऊँगी मैं इसको। अगेन वी विल ड्रॉ द स्ट्रेट विद हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन स्केल, पहले बनाते हैं इसको पहले। मैं लाइट ऑन कर ली है और मैं इसको अभी जो मैंने पहले मार्क किया था मैं उसके अलॉन्ग इसको ड्रॉ करती हूँ। तो ये मेरा दूसरा मेरा इंसिडेंट रे थी ये वाली। तो हमने ये जो लाइन ड्रॉ कर ली है अब हम जो है मेजर करते हैं इनको। सो नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिए मैंने। तो ये एंगल मेजर करते हैं, ये कैसे आ रहा आपका 10 20, इसको मेजर करते हैं अच्छे से 10 20 10 20, एंड दिस इज हाउ मच अराउंड 10 20 10 20 25 डिग्री है ये। अब हम यहाँ देखते हैं अगेन 10 20 एंड अप्रॉक्सीमेटली 24 के पास आ रहा है, यानी कि नियर बाय 25 ओनली। सो वी कैन से 24 25, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आपकी आ रही है और आपकी इंसिडेंट रे कितनी आई है 25। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट 25, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 24 25 अप्रॉक्सीमेटली जो है, अगर सब कुछ हमारा सेटिंग सही रहती है एकदम तो एग्जैक्टली सेम एंगल।